नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। दुई पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले परिवार परामर्श केंद्र माध्यम से पुलिस और समाज सेवियों की टीम परिवार टूटने से बचाने को लेकर निरंतर काम कर रही है। हरदोई पुलिस लाइन स्थित सभागार में माह के प्रथम व तृतीय रविवार को पुलिस विभाग और वरिष्ठ समाज सेवियों के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र का संचालन किया जाता है, जिसमें पति पत्नी के बीच होने वाले लड़ाई झगड़े तथा टूटे हुए रिश्ते को जोड़कर पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए राजी किया जाता है। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि परिवार परामर्श केंद्र पर पति पत्नी के टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर घर टूटने से बचाया जाता है। आज परिवार परामर्श केंद्र के वरिष्ठ सदस्य त्रिलोक सिंह, एडवोकेट नरेश गोयल, आलोक सिंह, संजय सिंह, शोभना सिंह, जागेंद्र सिंह गांधी, अदिति गौर, कविता महिंद्रा, महिला थाना इंस्पेक्टर ने पिछड़े दंपतियों को समझा बुझा कर आपसी सुलह समझौता कराया तथा उनको एक साथ रहने के लिए राजी किया। परिवार परामर्श केंद्र हम लोग के यहाँ हर हफ्ते चलता है, हर संडे को चलता है। इसमें हम लोग पुलिस के लोग और कुछ यहाँ के सम्रांत लोग, कुछ NGO के लोग, सब लोग मिल करके पति पत्नी के बीच आपस में जो गलतफहमियाँ होती हैं छोटी मोटी, और अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो इनको समझा बुझा कर कोशिश करते हैं कि ये लोग दूसरे के साथ रहें, उनका परिवार टूटने से। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि 4-5 के मामलों का निस्तारण होगा। यहाँ पे बहुत कौड़ी तरीके से निपटाया जाता है मामलों को, ये देखा जाता है कि घर परिवार का कुछ बिगाड़ ना हो। सबसे पहले बच्चों की प्राथमिकता दी जा रही है यहाँ पे कि बच्चों का भविष्य के साथ कोई जुगाड़ ना होने पाए, उसके बाद में उनके घर को देखा जाता है कि उनके घर बन जाए ना कि बिगड़े। प्राथमिकता यही दी जाती है कि बच्चों का परिवार का भविष्य सुरक्षित। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।